सकारात्मक फाउंडेशन द्वारा लोकहितम ब्लड बैंक में तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदाता ने रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। शुभारंभ सेंट एंड्रूज स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर गेदर शर्मा और बीएम हॉस्पिटल के एमडी आलोक अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। संस्था पदाधिकारी पार्षद अमित ग्वाला और चंद्रेश अग्रवाल के अनुसार रक्तदान शिविर में 60 से अधिक यूनिट का रक्तदान रक्तदाताओं द्वारा किया गया। यह रक्त जरूरतमंद मरीजों के सेवार्थ उपयोग में लिया जाता है। इस दौरान कई संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फाउंडेशन के तत्वावधान में आज वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये तीसरा अवसर है जबकि समाज के लिए बढ़ के कुछ करने का जज्बा लोगों में है और मुझे भी इस बात का सौभाग्य मिलता है कि जब भी ये कराते हैं ब्लड डोनेशन कैंप मुझे इसका निमंत्रण आता है और मैं भी लगातार इस सेवा कार्य में जुड़ता आ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि युवा लोग हैं इसमें, इसके जो मेम्बर्स हैं वो सभी युवा हैं और इन युवाओं के मन में ये भाव रहता है कि हम कुछ ऐसा करें जो दूसरों के लिए परोपकार हो, दूसरों के लिए काम आए। और हमारे शास्त्रों में दान की जो प्रवृत्ति है उसका विशेष महत्व रहा है और उस दान की प्रवृत्ति में भी रक्तदान का एक विशेष दर्जा है और उसका विशेष आकलन है समाज में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और उनको लगातार रक्त की आवश्यकता होती है। और अगर हम लोग रक्त देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो ब्लड हम कम होता है हमारा और जो नया बनता है वो ज़्यादा प्योर होता है और हमारी बॉडी के लिए ठीक है। तो मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि मैं इस बार 26वीं दफ़ा ये ब्लड डोनेशन का कार्य करने जा रहा हूँ। इसका मुझे बहुत संतोष है और समाज के बाकी लोगों को भी इस बारे में अपना रवैया बाकी खुला रखना चाहिए, काफ़ी खुला रखना चाहिए और दूसरे लोगों के काम आना चाहिए। ठीक है। मैं पार्षद अमित ग्वाला यहाँ सकारात्मक फाउंडेशन से संस्थापक हूँ और ये रक्तदान शिविर जो है तृतीय रक्तदान शिविर है। लोगों की जान जो है रक्त के अभाव से न जाए इसलिए वार्षिक रक्तदान शिविर यहाँ लगाया जाता है और यहाँ के क्षेत्रीय निवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और रक्तदान करते हैं जिससे कि लोगों के जीवन में जीवन मिल सके।